नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर राकेश कुमार त्रिपाठी और आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शंस। तो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शंस में सबसे पहले जानें आप कि अगर आपको y किसी t वेरिएबल का फंक्शन है और x भी किसी t वेरिएबल का दूसरा फंक्शन है और हमें निकालना है dy बाई dx, तो सबसे पहले हम निकालते हैं dy by dt होगा f dash t और dx by dt होगा g dash t। अब हमने सबसे पहले dy by dx निकालना होगा। dy by dx होता है dy by dt upon dx by dt, dy by dt upon dx by dt। तो ये हम लिख सकते हैं g dash t upon f dash t। अब इसका सेकेंड डेरिवेटिव अगर हमें क्या निकालना है, नाउ टू फाइंड d2y by dx स्क्वायर। अब d2y by dx स्क्वायर निकालने के लिए आप ऐसा नहीं लिख सकते हैं, नोट दैट, जैसे dy by dx dy by dt upon dx by dt होता है, तो आप इस बात का ध्यान रखें कि d2y by dx square is not same as d2y by dt square upon d2x by dt square। हायर ऑर्डर derivatives ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शंस पढ़ने के पहले, यदि आप सबसे पहले इसे पढ़ रहे हो, तो इसे करने से पहले आप कुछ वीडियोस मेरे हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स पे देख लें तो आपको बहुत कंफर्टेबल फील होगा, क्योंकि हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शंस थोड़ा उससे एडवांस है। तो ये आपको इसका भी मतलब समझ में आएगा, d2y by dt square और d2x by dt square का आप आसानी से देखें, मेरे वीडियो इसके लिए पड़े हुए हैं। तो हमने नोट किया कि दिस इज नॉट इक्वल टू दिस मच, तो इसके लिए अब क्या करेंगे हम, तो अगर हमें निकालना है d2y by dx स्क्वायर, टू फाइंड d2y by dx स्क्वायर, इसी को कहेंगे हायर डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, y का x के रिस्पेक्ट में जो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव है, जिसको एग्जाम में पूछा भी जाता है आपसे, ये भी पूछ सकते हैं, तो इसके लिए आप आसानी से इसको कर दें। अगर अपन आपसे पूछा है d2y by dt square, तो आप इसको फिर से डिफरेंशिएट कर दें। अगर आपसे पूछा है d2x by dt square, फिर से डिफरेंशिएट कर दें। पर d2y by dx square हम समझते हैं क्या होगा। d2y by dx square का मीनिंग है ddx ऑफ dy by dx। इसको एक एग्जांपल से भी हम समझेंगे ताकि आपका कंफ्यूजन जो भी है वो एकदम क्रिस्टल क्लियर हो। तो ddx ऑफ dy by dx, ddx ऑफ dy by dx, आप देखिए पीछे जा करके कि dy by dx आपका g dash t upon f dash t है, g dash t upon f dash t है। अब ये किसका फंक्शन है, ये t का फंक्शन है। यहाँ हम डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, x के। तो t x के रिस्पेक्ट में आसानी से तो डिफरेंशिएट होगा नहीं, तो बेहतर है हम इसे ऐसा लिखें d by dt, t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। तो आप ये dt हम मन से तो लिख नहीं सकते, मन से नहीं लिख सकते, तो फिर यहाँ अगर आपने dt से डिवाइड किया तो यहाँ dt से मल्टीप्लाई कर दें, और जो dx है वो कहाँ गया, तो dx को यहाँ लिख दें। तो ये हो जाएगा आपका g dash t upon f dash t। अब आप इसको डिफरेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू t, क्योंकि t का फंक्शन है एंड वी आर डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t ओनली। तो ये हो जाएगा f dash t होल स्क्वायर, f dash t ddt ऑफ g dash t, g डबल dash t हो जाएगा, माइनस g dash t ddt ऑफ f dash t। और आप ध्यान से देखिए इसकी वैल्यू क्या होगी dt by dx की, dt by dx की वैल्यू के लिए आपको यहां जाना पड़ेगा। तो dt by dx, ये dx by dt है, तो dt by dx इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो हो जाएगा 1 upon g dash t, 1 upon g dash t। तो ये आपका आया d2y by dx square।
अब और एक बात ध्यान रखें, नोट दैट अगर इफ वी आर आस्क्ड टू फाइंड डी टू एक्स बाय डी वाई स्क्वायर देन दिस विल नॉट बी इक्वल टू डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर टू द पावर माइनस वन. ये उसका रेसिप्रोकल नहीं है. ये आपको अगर निकालना है तो इसके लिए आपको इस तरीके से चलना होगा. डी टू एक्स बाय डी वाई स्क्वायर क्या होगा? ये होगा डी डी वाई ऑफ डी एक्स अपॉन डी वाई. अब डी एक्स बाय डी वाई क्या है आप देखिए, व्हाट इज डी एक्स बाय डी वाई? तो डी एक्स बाय डी वाई ये है आपका डी वाई बाय डी एक्स एफ जी डैश टी अपॉन एफ डैश टी है. तो ये इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा. ये हो जाएगा एफ डैश टी अपॉन जी डैश टी. यहाँ जी डैश टी अपॉन एफ डैश टी था फ्रॉम वन. वी कैन कोट फ्रॉम वन हियर टू वी कैन कोट फ्रॉम वन. अब फिर वही प्रॉब्लम आई आपके पास कि ये किसका फंक्शन है? ये टी का फंक्शन है एंड वी आर डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू वाई. तो आप इसको भी इसी तरीके से डी टी से मल्टीप्लाई और डी टी से सॉरी डिवाइड और मल्टीप्लाई और जो डी एक्स शिफ्ट हुआ उसको इधर लिख दीजिए. अब आप इसका कोशेंट रूल लगा के डिफरेंशिएट करिए. जी डैश टी होल स्क्वायर जी डैश टी डिफरेंशिएशन ऑफ एफ डैश एफ डबल डैश टी माइनस एफ डैश टी जी डैश टी का जी डबल डैश टी और डी टी बाई डी एक्स इज वॉट डी टी बाई डी एक्स. आप यहां से देख लें, सॉरी डी टी बाई डी वाई आएगा इस केस में क्योंकि यहां डी वाई था. तो डी टी बाई डी वाई आप देखें डी टी बाई डी वाई इज वन अपॉन एफ डैश टी. तो इन टू वन अपॉन एफ डैश टी ये लिख दिया एफ डैश टी. डिनोमिनेटर में आएगा मैंने यहां लिख दिया. तो इन दिस वे वी कैन फाइंड डी टू एक्स बाय डी वाई स्क्वायर एंड दिस इज द वे टू फाइंड डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर. सो ये आपने देखे हायर ऑर्डर. और अगर आप इसके ऊपर जाना चाहते हैं तो अगेन यू कैन डिफरेंशिएट इट विद रिस्पेक्ट टू, आप जो चाहें उसके रिस्पेक्ट में कर सकते हैं, चाहे तो y के रिस्पेक्ट में चाहे तो x के रिस्पेक्ट में. द सेम प्रोसीजर इज टू बी फॉलोड. तो ये आपने देखा कि ये इसका डेरिवेटिव निकाला हमने, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव पैरामेट्रिक फंक्शन का. अब जैसा कि मैंने आपको कहा था कि मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू और इसे बेहतर ढंग से समझाऊंगा. तो लेट्स सी दैट एग्जाम्पल. वो एग्जाम्पल इस तरह से है कि x इज इक्वल टू, और इफ क्वेश्चन मैं आपको बोल रहा हूं, इफ x इज इक्वल टू a साइन t, y इक्वल टू a cos t प्लस log ऑफ cos t log ऑफ tan t बाय टू, देन फाइंड डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर. ये आपका क्वेश्चन है. और ये क्वेश्चन जो आपका है ये सीबीएसई में पूछा भी जा चुका है. तो ये पूछा जा चुका है सीबीएसई 2013 में. द क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड इन सीबीएसई 2013. बहुत अच्छा और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें ट्रिग्नोमेट्री लगेगा, डिफरेंशिएशन का अच्छा कंसेप्ट यूज होगा, चेन रूल भी लगेगा. तो कई पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है. तो लेट्स सी सॉल्यूशन. आप x इज इक्वल टू ए साइन टी है तो इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर देते बिना टाइम गंवाए, ए कॉस टी और डी वाई बाई डी टी इसका डिफरेंशिएशन. ए कॉस टी का माइनस साइन टी, लॉग टेन टी बाई टू का वन अपॉन टेन टी बाई टू, टेन टी बाई टू का सेक स्क्वायर टी बाई टू और फिर टी बाई टू का वन बाय टू. ये यूजुअली बच्चे भूल जाते हैं, कीप दिस इन माइंड कि वन बाय टू भी आएगा. टी बाई टू का डेरिवेटिव वन बाय टू.
अब हमें फाइंड करना है डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। अब इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये इसकी स्पेशलिटी है कि इस क्वेश्चन में डी वाई बाई डी टी को थोड़ा सिंप्लीफाई भी करना पड़ेगा। तो बड़ा आसान है सिंप्लीफाई करना, ए माइनस साइन टी। सिंप्लीफिकेशन का मतलब है कि इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाएं तो बेहतर होगा, कि टेन और सेक स्क्वायर थोड़े कॉम्प्लिकेटेड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस हैं, इनको साइन कॉस में बदल देते हैं। तो सिंप्लीफिकेशन कोई बहुत बड़ी बात नहीं, साइन टी बाई टू कॉस टी बाई टू, सेक स्क्वायर नीचे आया कॉस स्क्वायर टी बाई टू, और टी बाई ये वन बाई टू जो लिखा है आप यहाँ लिख दें, चाहे तो यहाँ लिख दें, यहाँ लिख दें तो और अच्छा रहेगा, आपको अगली चीज समझने में दिक्कत नहीं होगी। कॉस टी बाई टू कॉस टी बाई टू कैंसिल। अब देखिए टू साइन टी बाई टू कॉस टी बाई टू, टू साइन टी बाई टू कॉस टी बाई टू क्या होगा आपका, ए माइनस साइन टी प्लस वन अपॉन टू साइन टी बाई टू कॉस टी बाई टू विल बी साइन टी। तो ये हो जाएगा ए माइनस साइन स्क्वायर टी प्लस वन अपॉन साइन टी। अब आप जानते हैं वन माइनस साइन स्क्वायर टी इज वॉट, कॉस स्क्वायर टी, कॉस स्क्वायर टी अपॉन साइन टी। सो दिस इज वॉट, दिस इज डी वाई बाय डी टी। आप चाहें तो इसको नंबर भी दे सकते हैं डी वाई बाय डी टी, लेट दिस बी नंबर टू, इसे नंबर दे दें आप, डी एक्स बाई डी टी को नंबर दे दें वन। नंबरिंग हमारे ऊपर है, ये कि हमने पिछली बार उसको नंबर वन दिया था, इस बार इसको नंबर वन दिया, इट डज नॉट मैटर, नंबरिंग इट इज अप टू यू, आप खुद डिसाइड कर ले। नाउ डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाय डी टी अपॉन डी एक्स बाय डी टी, ये रिजल्ट आपको ध्यान रखना है। ये आप समझ भी गए होंगे, डी टी डी टी कट हो गया, डी वाई बाय डी एक्स। तो डी वाई बाय डी टी इज वॉट, डी वाई बाय डी टी आप देखो ए कॉस स्क्वायर टी अपॉन साइन टी इज अपॉन, अपॉन में आएगा आपके पास डी एक्स बाई डी टी, एंड वट इज डी एक्स बाई डी टी, डी एक्स बाई डी टी इज ए कॉस टी। तो आप देखिए ए ए कट, कॉस टी से ए कॉस टी कैंसिल, तो आपके पास आएगा कॉस टी अपॉन साइन टी, एंड कॉस टी अपॉन साइन टी इज वॉट, कॉट टी। तो ये आ गया हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स। नाउ इट्स सेकेंड डेरिवेटिव डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज डी डी एक्स ऑफ कॉट टी। तो जो मैंने आपको बात बताई थी, अब वो देखो ये टी का फंक्शन है और ये एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं चलेगा। तो इसके लिए एक काम करें आप, डी बाय डी टी, डी टी से डिवाइड कर दिया और इधर डी टी से मल्टीप्लाई कर दिया, तो डी बाय डी टी ऑफ कॉट टी क्या होगा, माइनस कुसेक स्क्वायर टी इंटू डी टी बाई डी एक्स। और डी टी बाई डी एक्स का वैल्यू कहाँ से लिखेंगे आप, तो डी टी बाई डी एक्स का वैल्यू आपको यहाँ से लिखना पड़ेगा, तो डी टी बाई डी एक्स इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो हो जाएगा वन अपॉन ए कॉस टी। ये वैल्यू कहाँ से लिखी हमने, ये वैल्यू हमने लिखी है फ्रॉम वन, ठीक है। और ये जो हमने लिखा है डी डी एक्स ऑफ कॉट टी, ये किसकी, सॉरी एक स्टेप और बढ़ा देता हूँ मैं यहाँ पर, डी डी एक्स ऑफ डी वाई बाय डी एक्स, ये होगा डी डी एक्स ऑफ डी वाई बाय डी एक्स, और इस डी वाई बाय डी एक्स की वैल्यू कॉट टी आई, और ये कॉट टी की वैल्यू कहाँ है, इसको नंबर दे देते हैं थ्री। तो ये यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि कहाँ से लिखी हमने वैल्यू, फ्रॉम थ्री। तो इस तरीके से आपने देखा, अब आप साइन कॉस में बदल लें, कॉस साइन में बदल लें, अगर कुछ दिया हो कि आप प्रूफ करना है ये प्रूव करेंगे तो वैसा लिख दें, नहीं तो आप अपना साइन कॉस में बदल लें, या जैसा आपकी मर्जी हो वैसा रख लें। तो माइनस अगर नीचे साइन में बदलना चाहते हैं तो इसको नीचे भेज दें, तो ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर टी और कॉस टी, साइन स्क्वायर टी कॉस टी, और ऊपर लाना चाहें तो आप ऊपर ला दें। इट इज़ एनफ टू राइट दिस मच, इसमें आपको फुल ऑन फुल मार्क्स मिलेंगे। आप मेरे ख्याल से बहुत चीज़ों को बेहतर समझ गए होंगे। अब हम पैरामेट्रिक फंक्शंस के कुछ स्पेशल क्वेश्चंस अगले वीडियोस में देखेंगे। आप मेरे अगले वीडियोस भी देखें, पिछले वीडियोस भी देखें, अपने दोस्तों के साथ इतने शेयर करें। इसमें कोई भी मेरा हिडन इंटरेस्ट नहीं है, एक्सेप्ट एक्सपेंशन ऑफ नॉलेज,
तो जो नॉलेज का प्रचार प्रसार है वो मैं करना चाहता हूँ आप लोगों के साथ। आप मेरे साथ यूं ही जुड़े रहें, बने रहें, मेरे वीडियोस को देखते रहें, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हम इन चीज़ों को और आगे तक लोगों को पहुंचा सकें। आप उन्हें पढ़ा नहीं सकते तो कम से कम आप उन्हें बता सकते हैं कि ये चीज़ यहाँ पर पड़ी हुई है, और मैं सारी चीज़ें सभी कुछ एक सीक्वेंस में डालूंगा, ताकि किसी भी बच्चे को, मान लीजिए कि उसे सुविधा नहीं मिल पाती, वो इंटीरियर एरिया में, रूरल एरिया में रहता है और उसे एक अच्छे माने और नॉलेज की ज़रूरत होगी, तो ही और शी कैन कॉन्टेक्ट मी। विश यू ऑल द बेस्ट।